तीजी वड्डी खबर, तीजी वड्डी खबर जयजीत सिंह जौहल दे वालों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई की गई है, डेफेमेशन केस दर्ज करवाया गया जयजीत सिंह दे वालों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का परचा दर्ज कराया गया, बठिंडा की जिला अदालत दे विच दर्ज करवाया गया है। आदमी पार्टी की क्रिटिकल मीटिंग की थी, जिस दे विच उन्होंने मेरे परिवार से मेरे उत्ते उन्होंने इल्जाम लगाए थे, डेरोगेटरी ते डेफामेटरी उन्होंने लैंग्वेज यूज की मेरे खिलाफ। तो उस दिन ही असी स्टेटमेंट दी सी, मैं अपने लॉयर्स नाल कंसल्ट करके कहा कि असी डेफामेशन का केस इन्हां ते दायर करांगे, वो केस अज दायर हो गया। ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ, ਜੈਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੈਜੀਤ, ਜੋ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल गगन, क्योंकि इस वक्त समा जेकर आप वेखिए विधानसभा चोणों के बिल्कुल आप नज़दीक हाँ, दो ढाई महीने बाद जिहड़ी कि विधानसभा चोणा आ रही ने, जिदे करके हर पार्टी वालों कोशिश की जा रही है कि वोटर्स नू यह दस्या जाए कि जिहड़ी इस वक्त रूलिंग पार्टी है वह उन्हां दे नाल धक्का कर रही है, तो दूजी जिहड़ी पार्टी है उसनू मौका दिता जाए ताकि जिहड़ा भी जुल्म लोगों के नाल हो रहा वह खत्म किया जाए। हुण इहदे तहत ही जिहड़े कि लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुँच रहे हैं, पंजाब पहुँच के उन्हां वल्लों वड्डे वड्डे वादे किए जाते हैं, वड्डे वड्डे दावे किए जाते हैं, तो सरकार दे नुक्ते भी कढ़े जाते हैं। उन नुक्तों दे विचों एक सीगा कि उन्हां वल्लों कहा गया कि टैक्सिस जिहड़े कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो बिजनेस तो बिजनेसमैन तो यह काफ़ी ज़्यादा वसूल किए जाते हैं, तो उदोते हुण प्रतिक्रिया देंदे हुए जौहल होला वल्लों साफ तौर पर कहा गया कि उन्हां वल्लों एक मानहानि की पटीशन भी दायर की गई है। उन्होंने कहा गया कि जेड़े भी इल्जाम लाए गए ने अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, लेकिन जाहिर जी गल है अदालत जयजीत नु भी तो पूछेगी ना कि तुसी जो जो टैक्स वसूल दे हो कि नहीं, क्योंकि उद्योगपति का कहते हैं वसूलिया जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यह सवाल जिहड़ा कि अरविंद केजरीवाल वालों खुले तौर पर चुकया गया, उन्होंने वालों कहा गया कि टैक्स जिहड़ा कि है वह वसूल किया जाता है। हुण इस टैक्स के उपर जेकर रिएक्ट वेख्या जाए तो रिएक्शन आया सामने कि मानहानि की पटीशन जायर हो जाती है, लेकिन जब कोर्ट के दोवे पार्टियां जाणगियां पटीशनर तो जिहदे उत्ते कंप्लेंट की गई है वह भी जो पहुँचे तो कितना ना कितना उस टाइम दोवे पार्टियां तो सवाल पूछे जाएंगे, कोर्ट वालों भी जरूर पूछा जाऊगा टैक्स जिहड़ा कि वसूल किया जाता कि नहीं किया जाता, क्योंकि कितना ना कि एक गल इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़े भी ने बिजनेसमैन जिहड़े भी ने उन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि टैक्स वसूलिया जाता है, तो इस टैक्स के उपर भी जरूर सवाल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मुश्किल जिहड़ी की है वह अरविंद केजरीवाल की वधदी नज़र आ रही है, क्योंकि जदों कैंपेनिंग करते हैं कई बार यहोजा हो चुक्या अपनी स्टेटमेंट्स तो परे हो चुके हैं, तो पहला भी कैंपेनिंग करते हुए जिहड़ा कि करन तो बाद उन्हां वल्लों माफ़ी भी मंगी गई है लीडर्स तो, तो इस चीज़ को वेखदे हुण वेखना होगा हुण अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने। बिल्कुल, हुणे देखना होगा कि अपनी स्टेटमेंट डटे रहिंदे ने अरविंद केजरीवाल या फिर पहला वांग पैर पिछे खिंच लैंदे ने।